सो हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं तमिल सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार धनुष की, जिनका रियल नेम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है, जो सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद हैं और अपने हुनर और काबिलियत के दम पर अब तक 44 से भी ज़्यादा अवार्ड जीत चुके हैं, जिनमें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड भी शामिल हैं। और साथ ही ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। दोस्तों, धनुष जो कि आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार हैं, इनके घर में कभी खाने तक को पैसे नहीं होते थे। इनके पिता एक मिल में काम किया करते थे और इनका पूरा परिवार एक कमरे में ही रहता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं इनके फर्श से अर्श तक के पूरे सफर को। मतलब तुमको भी नहीं चाहिए शादी? बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी माँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, सुपरस्टार धनुष की इस कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1983 को, जब चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में इनका एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। इनके पिता कस्तूरी राजा फेमस राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और इनकी माता विजय लक्ष्मी एक होममेकर हैं। इनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम सेल्वा राघवन है और वो भी तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। और इनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम के विमला गीता और कार्तिक देवी है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो इनकी स्कूलिंग थाई साथिया मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल चेन्नई से हुई और फिर इन्होंने माथुराई कामराज यूनिवर्सिटी में अपने आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया और फिर इन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। दोस्तों, धनुष के करियर के बारे में जानने से पहले हम इनके पिता के लाइफ के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता कस्तूरी राजा एक मिल में काम किया करते थे और वहां पर वो रोज 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। उस समय इनका पूरा परिवार एक कमरे में ही रहता था और धनुष के पिता पूरे दिन में इतने ही पैसे कमा पाते थे कि इनके परिवार को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब होता था। साथ ही इनके पिता को राइटिंग का भी शौक था और ये अपने काम के साथ साथ कुछ ना कुछ लिखते भी रहते थे। उन लिखी हुई कहानियों को ये 40-50 रुपए में बेच देते थे और वो कहानियाँ ऊपर जाकर और महंगी बिकती थी। ऐसे ही करते करते धनुष के पिता आगे बढ़ते गए और फिर इन्हें आगे चलकर फिल्मों में काम मिलने लगा और ये एक जाने माने राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने। वहीं अगर बात करें हम धनुष की तो ये शुरुआत से एक एक्टर बनना नहीं चाहते थे क्योंकि इन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये एक हीरो की तरह लगते हैं। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में फेल हो जाने के बाद इनके बड़े भाई और फैमिली ने इन पर एक्टर बनने के लिए काफ़ी दबाव डाला। फैमिली के काफ़ी कहने के बाद ये फिल्मों में आने के लिए तैयार हो गए लेकिन अब भी इनका मन फिल्मों में आने का नहीं था। और फिर 2002 में इन्होंने थुल्लुवादो इलामाई फिल्म के जरिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एज ए लीड कैरेक्टर डेब्यू किया। ये फिल्म इनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी और इनके पिता कस्तूरी राजा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इनके एक बड़े भाई सेल्वा राघवन ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। इस फिल्म में इन्होंने एक टीनेजर का किरदार निभाया था। उस समय तो ये फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई और लोगों ने ये तक कहा कि तुम ऐसी शक्ल के साथ हीरो बनने की सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन जब 2007-08 में इनकी पोला धवन और यारदीनी मोहिनी दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई तो लोगों ने इनकी पहली फिल्म को भी काफ़ी अहमियत दी। और फिर जब 2010 में इनकी आदुकलम मूवी आई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इस फिल्म के जरिए इन्हें 26 साल की उम्र में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। इसी के साथ ये सबसे कम उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद इन्होंने 3, मरियन, अनेगन, कोदी, मारी, मारी 2 और असरन जैसी कई सफल और सुपरहिट मूवीज़ की। इनकी 3 मूवी जो कि 2012 में आई थी जिसमें इन्होंने वायदा कोलावरी सॉन्ग भी गाया हुआ था और ये पहला ऐसा सॉन्ग था जिसने 100 मिलियन व्यूज़ हासिल किए थे। इस सॉन्ग को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी लोगों ने खूब पसंद किया। चाहे ये सॉन्ग किसी की समझ में आए ना आए लेकिन लोग इसकी धुन को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। Bieber, but the most popular song of the year could be one you've never heard of. The official video for Why This Kolaveri D. दोस्तों, अगर बात करें इनके बॉलीवुड डेब्यू की तो इन्होंने 2013 में राजना फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया।
जिसमें इनके साथ सोनम कपूर नजर आई थी। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया और साथ ही बेस्ट एक्टर के लिए इनका नॉमिनेशन भी किया गया। इसके बाद इन्होंने 2015 में दूसरी हिंदी फिल्म समिताभ की, जिसमें ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। इसमें इन्होंने एक गूंगे का किरदार निभाया था। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। दोस्तों अगर बात करें इनकी अपकमिंग मूवीज की, तो इनकी हिंदी फिल्म अतरंगी रे आने वाली है, जिसमें इनके साथ अक्षय कुमार और सारा अली खान नजर आएंगे। ये फिल्म 24 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा ये एक हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन में भी नजर आएंगे। इस फिल्म को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने एवेंजर जैसी मूवी डायरेक्ट की है। दोस्तों अगर बात करें इनकी मैरिटल लाइफ की, तो इन्होंने 18 नवंबर 2004 को सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की है और अब इन पर दो बेटे भी हैं, जिनका नाम यत्रा और लिंगा है, जिनका जन्म 2006 और 2010 में हुआ था। तो दोस्तों ये थी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष की लाइफ स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हों और ये ऐसे ही दिनों दिन तरक्की करते रहें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे आप किसकी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।